नमस्कार, मेरा नाम मेधा दुबे है। आज कल्चुरी डायनेस्टी सीरीज ऑफ लेक्चर में हमारा अगला और थर्ड सेगमेंट है कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी। इससे पहले हम लोगों ने जो दो लेक्चर्स में बात की, उसमें सबसे पहला लेक्चर जो था वो था कि कल्चुरी डायनेस्टी क्या थी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, कौन कौन से महान राजा हुए उस समय में, या फिर उन्होंने अपने राज्य को किस तरह से बढ़ाया, या दूसरे राज्यों से कैसे मित्रता हुई या कैसे शत्रुता हुई, इन सारी चीज़ों पे हमने बात की। दूसरा हमारा जो लेक्चर था वो डेडिकेटेड था माहिष्मती की कल्चुरियों पर, कि ये एक्चुअली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ही फाउंडर मेंबर माने जाते हैं कल्चुरी डायनेस्टी के। तो माहिष्मती के कल्चुरियों पे और हमने बात की अगले सेगमेंट में कि किस तरह से वो इम्पोर्टेंट थे, क्या उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए, उनसे जुड़े क्या क्या कहानियाँ थी या फैक्ट्स थे या दंत कथाएं थी जो कि आज भी प्रचलित हैं वहाँ पर, उस रीजन में किस तरह का आर्ट आर्किटेक्चर या कल्चर हुआ करता था और उनका शासन किस तरह का हुआ करता था, ये सब हमने समझा। अब थर्ड सेगमेंट में हम लोग त्रिपुरी की बात करेंगे, त्रिपुरी के कल्चुरियों की बात करेंगे। ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला ऐसा रीजन है जहाँ पर कल्चुरियों ने सबसे ज़्यादा समय तक राज किया, यानी कि 7th सेंचुरी से लगभग 13th सेंचुरी की शुरुआत, तो 12th सेंचुरी ख़त्म होते होते और 13th सेंचुरी की शुरुआत के आसपास में तक इन लोगों ने यहाँ त्रिपुरी रीजन में राज किया, जो कि एक काफ़ी लंबा समय हो जाता है, कई 100 साल हो जाते हैं। और इसी रीजन में, इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने काम किया, काफ़ी जो अभी भी हम लोग देख सकते हैं आर्ट आर्किटेक्चर और कल्चर से रिलेटेड एविडेंस है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। अब त्रिपुरी जो क्षेत्र है उसका कोर रीजन, यानी जो प्राचीन त्रिपुरी हम लोग कह सकते हैं, ये वैसे तो जबलपुर शहर से कुछ 6 मील दूर करीब एक छोटा गांव हुआ करता था कुछ साल पहले तक। फिर त्रिपुरी और भेड़ाघाट, ये दोनों ही जबलपुर क्षेत्र में ही आते हैं, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, इसलिए अब ये जबलपुर का ही पार्ट है। तो जबलपुर की अगर मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में आता है और इसे कल्चुरी वंश या कल्चुरी राजाओं से पहले गुप्त और मौर्य वंश ने भी शासित किया था। अब मेरा पर्सनल थोड़ा इस रीजन से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं जबलपुर से ही हूँ, जबलपुर में ही रहती हूँ, इसलिए जबलपुर के आसपास और इस रीजन में जितना भी कल्चुरियों ने काम किया था वो मैंने खुद देखा हुआ है, खुद उस पर एनालिसिस की हुई है और काफ़ी कुछ कोशिश की है कि जो रिटन टेक्स्ट्स हैं और जो बचे हुए आर्ट एंड आर्किटेक्चरल एविडेंस हैं उनको किसी तरह से मैं एनालाइज करके जो अब बचा हुआ है जितना कुछ भी उसको एक अच्छे स्वरूप में एटलीस्ट लोगों तक पहुंचा पाऊं, लोगों को ये समझा पाऊं कि क्यों हमें अपनी विरासत को बचा कर रखना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो पिछले 2 लेक्चर्स थे उनमें राज्य शासक और उनकी राजनीति के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, इसके अलावा किसने किससे विजय हासिल की या कौन से राज्य को कैसे विकसित किया गया, ये सब हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आज हम लोग मेजरली आर्किटेक्चर और आर्ट पर ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि त्रिपुरी ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कल्चुरी राजवंश के बनाए मंदिर और मूर्तियाँ आज की डेट में सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में बचे हुए हैं। अब अच्छी कंडीशन में बचे हुए हैं का ये मतलब नहीं है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी वेल प्रिजर्व्ड है। अच्छी कंडीशन का हम लोग ये मतलब समझ सकते हैं कि जो बाकी क्षेत्र हैं कल्चुरियों के, जैसे कि माहिष्मती या कल्याणी, यहाँ पर जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल एविडेंसेस जो कि ना के बराबर हैं, इनके कंपैरिजन में त्रिपुरी क्षेत्र में जो कुछ बचा हुआ है वो थोड़ा बेटर कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। मे बी इसके 2 रीज़न हो सकते हैं कि या तो इन स्थानों की ही महत्व काफ़ी ज़्यादा थी कल्चुरियों के हिसाब से, इसलिए जो इनके डिसेंडेंट्स हो सकता है आज भी हैं
उन्होंने किसी तरह से कोशिश करके इन जगहों पर अपना इनको संरक्षित रखने की कोशिश की है, और या फिर जो इस समय के बने हुए मंदिर थे उनका काफी महत्व था कि कलचुरी राजवंश के लोग ही नहीं, इसके अलावा भी जो लोग हैं कलचुरी राजवंश के अलावा भी, उन लोगों के लिए भी इन मंदिरों का महत्व काफी ज्यादा है, इसलिए भी हो सकता है इनकी कंडीशन बाकी क्षेत्र के मुकाबले थोड़ी बेटर है। हम लोग आर्ट, आर्किटेक्चर, कॉइन्स, इन सब चीजों को देखने की कोशिश करेंगे त्रिपुरी से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉइन्स देखते हैं। लगभग 1015 ईस्वी से 1040 ईस्वी के बीच राजा गंगाए देव के शासनकाल के दौरान 4.5 माशा की स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। तो ये लगभग 4 ग्राम की या 4.25 ग्राम की पुरानी भारतीय मुद्राओं के सामने की तरफ सर पर आभूषण पहने, हार पहने हुए देवी लक्ष्मी का चित्रण है, और इसके विपरीत भाग पर नागरी लिपि में श्रीमद गंगाए देव अंकित है। फिर कॉइन्स के अलावा हमें काफी शिलालेख और प्रतिमाएं भी मिलती हैं त्रिपुरी से संबंधित, जिनमें से ये वाला शिलालेख जो है ये जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर की बाहरी वॉल पर आज भी लगा हुआ है, ये देवनागरी में है। और ये जो दूसरी पिक्चर आप देख सकते हैं ये गाथा सप्तशती से प्रेरित प्रतिमा है, जिसमें कि उस समय का डेली लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था ये हमें देखने को मिलता है कि लोग कैसे अपना फ्री टाइम स्पेंड करते थे या किस तरह सोशलाइज करते थे। यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें दिख रही है कि लेडीज आपस में किस तरह से बातचीत कर रही हैं या फिर एक दूसरे को सजाने संवारने की कोशिश कर रही हैं, तो ये दर्शाता है कि उस समय की लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी। अब हम लोग पहले आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है 64 योगिनी मंदिर। अब ये पिक्चर जो है ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि जब हम लोग हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट करते हैं जबलपुर में तो उसका जो मेन पोस्टर है वो उस ये हम लोगों ने परमानेंट फिक्स करके रखा है, क्योंकि इस एंगल से जो देवियां हैं उनके चेहरे पे जिस तरह से सूरज की रोशनी पड़ती है और जो तेज दिखता है वो इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है कि ये हमने परमानेंट फिक्स करके रखा है पोस्टर की तरह। तो 64 योगिनी के बारे में हम लोग समझेंगे जो जबलपुर में स्थित है और कलचुरी डायनेस्टी का बनाया हुआ सबसे बड़ा 64 योगिनी मंदिर है। इस मंदिर की बात करने से पहले हम लोग भेड़ाघाट को समझेंगे जो कि जबलपुर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है, और अपनी संगमरमर की चट्टानों और यहाँ के वहाँ सबसे बड़ा जो जलप्रपात है धुआंधार उसके लिए प्रसिद्ध है, और लगभग 100 फीट की ऊंचाई तक ये पूरी चट्टाने हमें दिखाई पड़ती हैं, और नर्मदा और बावन गंगा के संगम के ठीक ऊपर चट्टानों का एक ऐसे चट्टानों से ही कई सारे जुड़ा हुआ एक अच्छी छोटी सी पहाड़ी है, इसके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि गोलाकार तरह की पहाड़ी पे शीर्ष पर 64 योगिनी का प्राचीन मंदिर है जो कि कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा बनाया गया था। शुरुआत हो चुकी थी इसको बनने की पहले, लेकिन कलचुरी राजवंश में से सबसे ज्यादा काम किया गया और कंप्लीशन इसका उसी समय पर हुआ, और इसमें मेजॉरिटी जो मटीरियल यूज हुआ है वो ग्रेनाइट है। और जियोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो उस पूरे रीजन की सबसे ऊंची लोकेशन पर ये मंदिर स्थित है, और अब इस मंदिर के आसपास से जब हम लोग देखते हैं अभी तो काफ़ी इंक्रोचमेंट हो चुका है ऑल्दो, लेकिन पहले के समय में जब राजाओं ने अपने हिसाब से बनाया था इसको तो सब तरफ में नर्मदा नदी के दर्शन हुआ करते होंगे। अब एक छोटा सा मातृकाओं का मंदिर मूल रूप से पहली सदी ईसा के आसपास में बनवाया गया था जब इस क्षेत्र पर कुषाणों का शासन था। स्ट्रक्चर का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो उससे ये स्पष्ट होता है कि 7वीं-8वीं सदी के आसपास में गुप्त और कलचुरी काल की जब शुरुआत हो रही थी तब धीरे धीरे जो मूल मंदिर था उसका विस्तार किया गया।
फिर जब वर्तमान मंदिर का स्वरूप उस वक्त अस्तित्व में आया जब कलचुरी शासक युवराज देव सत्ता में आए, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि योगिनी कल्ट को डिवोटेड काफी या डेडिकेटेड काफी कम 64 योगिनी मंदिर हैं, लेकिन ये जो जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 64 यानी 81 योगिनियां हैं। तो इसकी भी मतलब दो इंटरेस्टिंग कहानियां हम लोग कह सकते हैं कि पहला तो ये था कि जब जो राजा हुआ करते थे वो जब अपने पूजा करने के लिए मंदिर बनाते थे तो उसको थोड़ा ज्यादा भव्य बनाया जाता था, बाकी आम लोगों के लिए जो मंदिर होते थे उनसे। तो एक ये जस्ट थ्योरी है कि हो सकता है इसलिए जो आम लोगों के लिए मंदिर थे वो 64 योगिनी हुआ करते थे, और ये वाला जो 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट का है ये 81 योगिनी इसलिए है क्योंकि कलचुरी राजवंश के जो राजा और रानियां थी वो खुद यहाँ पर आकर पूजा अर्चना किया करते थे, इसलिए इस मंदिर को उन्होंने बाकी मंदिरों से ज्यादा भव्य और ज्यादा अच्छी लोकेशन पे, जो थोड़ा से सीनिक ब्यूटी के साथ में काफी रिच लोकेशन हो, उस पर बनाया। सेकेंड थ्योरी इसकी ये है कि जब बेगलर को ये मंदिर मिला तो उस वक्त काफी खराब कंडीशन में था, ये आप लोग देख सकते हैं बिफोर रेस्टोरेशन एंड आफ्टर रेस्टोरेशन के फोटोज। तो बेगलर को जब ये मंदिर मिला तो काफी खराब कंडीशन में था, काफी टूट फूट हो चुकी थी, जो पेरीफेरी है वो गिर गई थी, उस वजह से कुछ मूर्तियां यहाँ पर भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और आसपास के एरिया में जो मंदिर थे वो भी कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे। तो उस वक्त उन लोगों को लगा कि क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर है तो इसको ही हम लोग प्रॉपरली कंजर्व और रेस्टोर करते हैं। तो इसको जब उन्होंने अच्छे से रेस्टोर किया, इसके पूरे बीम्स कॉलम्स को ठीक से अरेंज किया, जो उसकी पूरी पेरिफेरी है उसको रेस्टोर किया, तो उस वक्त आसपास के गांवों में भी जितने मूर्तियां थी जो उनको लगा कि इस काल की मूर्तियों से मिलती जुलती हैं या हो सकता है इक्वल इम्पोर्टेंस की हैं, उन मूर्तियों को भी यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया। तो इस तरह से ये 81 योगिनियां हो गई। अभी तो कुछ 91 मूर्तियां हो गई हैं जिसमें कि फर्स्ट सेंचुरी में गुप्तकालीन मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं और बाकी भी मूर्तियों को लाकर यहाँ पर रख दिया गया है। तो मे बी दोनों में से हम लोग जिस भी कहानी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दें उस हिसाब से उसको देखा जा सकता है। इस मंदिर की एक और जो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो ये है, सेंट्रल में गौरी शंकर मंदिर है तो कहते हैं उसमें जो एग्जैक्टली मूर्ति भी बनी हुई है वो इस तरह की है कि शिव जी जब पार्वती जी के साथ शादी करके उनको लेके जा रहे थे तो जो पूरा प्रोसेशन था, जो बारात थी, उसका पूरा दृश्य वहां पर मूर्ति स्वरूप में ही बनाया हुआ है कि आसपास देव देवता नृत्य कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पूरे ओकेजन को। और क्योंकि सेंटर में ये एक प्रोसेशन चल रहा है मंदिर के अंदर ही, ऑल दो ये मूर्ति है, इसलिए इस अलौकिक दृश्य को लोगों की या जो भी देखने आ रहा है उसकी नजर ना लगे, इसलिए पूरी पेरिफेरी में जो योगिनियों की मूर्ति है वो काफी इस मूर्ति से भव्य बना दी गई है कि आपका ध्यान उन मूर्तियों पर ज्यादा केंद्रित हो और इस विवाह की जो बारात है या प्रोसेशन है इस पे ध्यान आपका सबसे लास्ट में जाए ताकि इसको नजर से भी बचाया जा सके। और जो योगिनियां हैं उनकी खास बात यह है कि जो मेल डेटीज होते हैं यानी कि मेल देवता होते हैं उन्हीं का देवी अवतार ये योगिनियां हैं। तो महिषासुर मर्दिनी हैं, अंगिनी योगिनी हैं, जैसे गणेश जी होते हैं तो गणेश जी की फीमेल वर्जन गणेशनी है, इस तरह से यहाँ पर फीमेल वर्जन्स बने हुए हैं।
तो अगर आप कभी विजिट कर सकें तो जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग मंदिर है ये, काफी सारी सीढ़ियां हैं, काफी ऊपर पहाड़ी पर बनाया हुआ है और आज भी बहुत मतलब एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है इस मंदिर में जाना। तो अब जबलपुर के बाद हम लोग देखते हैं नोहलेश्वर मंदिर जो कि नोहटा में है। ये लगभग 10वीं शताब्दी में कलचुरियों की जो महिमा थी उसका एक काफी बढ़िया उदाहरण है। ये मंदिर दमोह शहर की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर ही नोहटा नाम का गांव है, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की मूर्तियां हैं और ये स्थान तीर्थ स्थल के साथ साथ दर्शकों के लिए प्राकृतिक महत्व भी रखता है। काफी जिस तरह के हम लोग खजुराहो के मंदिर देखते हैं उनकी जो भव्यता है उसी तरह का एहसास हमें ये नोहलेश्वर मंदिर को देखने पर भी होता है। शिव को महादेव के साथ साथ नोहलेश्वर नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मंदिर का नाम ही नोहलेश्वर मंदिर पड़ा हुआ है और लगभग 950 से 1000 ईस्वी के आसपास में इसको बनाया गया था। कलचुरी राजा अवनी वर्मा की चालुक्य वंश की रानी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब इस मंदिर को अगर हम लोग देखेंगे तो जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है टेम्पल्स में उसका काफी अच्छा एग्जाम्पल हमें ये देखने को मिलता है कल्चुरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। तो काफी ऊंचे प्लिंथ पर ही मंदिर बना हुआ है और इसके भाग में पंचरथ, गर्भगृह, अंतराल, मंडप और मुख मंडप आते हैं। अब मंदिर के पीछे के भाग में जो आउटर पेरिफेरी है उसमें हम लोग जब देखते हैं तो काफी अच्छी नक्काशी, काफी डिटेलिंग में स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। देवी देवता भी हैं, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फूल, लताएं, फ्लोरल एलिमेंट्स, ये सब कुछ भी है। और जो देवी देवता बने हुए हैं उनके भी भाव भंगिमा, उनके जो हाथ पैरों का आकार, जो उनके चेहरे के भाव हैं, उनके ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी हैं, उन सबको इतने अच्छे से डिपिक्ट किया गया है कि मतलब ये हमें समझ में आता है देख के कि कितनी एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैनशिप हुआ करती थी उस समय के लोगों की। तो इन मूर्तियों की जो यूनिकनेस है बेसिकली वो इनकी बारीक नक्काशी में ही है। और इस मंदिर में भी जो खास बात है कि है तो ये शिव मंदिर लेकिन इसमें भी हमें पूरी पेरिफेरी में मातृकाओं की मूर्तियां काफी ज्यादा नंबर में देखने को मिलती हैं। और अब इसका जो मुख्य द्वार है उसमें ऊपर की तरफ नवग्रह की मूर्तियां हैं, दाहिनी ओर नर्मदा और बाई ओर यमुना जी की मूर्तियां हैं। मंच के निचले हिस्से पर सामने दोनों ओर 8 मूर्तियां हैं लक्ष्मी जी की। सबसे ऊपर गज लक्ष्मी की आकृति काफी सुंदर बनाई हुई है और जो इम्पोर्टेंट मतलब ऐसे तो बहुत सारी इसमें मूर्तियां हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें नर्मदा, यमुना, नटराज शिव जिसे नोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और सरस्वती, विष्णु, अग्नि, कंकाली देवी, उमा महेश्वर, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, ये सारी मूर्तियां हैं। इनके अलावा जैन मूर्तियां भी दिखाई पड़ती हैं जिनमें चकेश्वरी और अंबिका की मूर्ति भी शामिल है। तो अब इस मंदिर को हम जब देखते हैं तो हमें काफी अच्छा एग्जाम्पल समझ में आता है इस चीज का कि कैसे और क्यों हमें अपने हेरिटेज को कंजर्व करने की जरूरत है और किस तरह बिना संरक्षण या कंजर्वेशन के हमारी धरोहर समय के साथ नष्ट होती चली जाती है। तो नोहटा के जो नोहलेश्वर मंदिर हैं इनमें शिवलिंग के साथ में 109 मूर्तियां रखी हुई हैं जिनमें से 14 मूर्तियां जो हैं वो एक अलग जगह से हैं और कुछ लगभग 90-95 मूर्तियां एक फुटेरा जलाशय है और उसके आसपास के स्थानों की हैं। हिंदू देवी देवताओं के अलावा यहाँ पे जैन मूर्तियां भी हैं काफी सारी। तो अब
ये जब मंदिर बनाया गया था उस वक्त नहीं रखी गई थी इतनी मूर्तियां, ये कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के अभाव में जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था आसपास में या फिर किसी भी वजह से सपोज खेत में कहीं पर कोई मूर्ति मिली या फिर रोड डेवलपमेंट में कोई मूर्ति मिली हमें जमीन के अंदर से, तो क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए उन मूर्तियों का, कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं था, अभी भी उतना ज्यादा नहीं है, तो लोग फिर क्या करते हैं कि या तो उन मूर्तियों को उठा के अपने घर ले जाते हैं कि चलो ठीक है अब हमें ये किसी देवी देवता की मूर्ति मिली है, हम अपने घर ले जाके इनका एक कुछ अच्छा सा देव स्थान बनाकर इनकी पूजा करेंगे, या फिर अब जैसे जो काम कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए हैं, उनके अपने घर है नहीं इन, क्योंकि मूर्तियां भी ऑब्वियसली काफी भारी हुआ करती थी, पत्थर की और ह्यूमन साइज हुआ करती थी बिल्कुल ही, तो इनको बहुत दूर तक मूव करना इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए इन लोगों को समझ में आया कि ठीक है ये नोहलेश्वर मंदिर जो काफी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आसपास में जो भी हमें देवी देवता की मूर्ति मिल रही है वो हम लोग इसी मंदिर में रखते जाते हैं। तो इस वजह से अब वो मंदिर को ही म्यूजियम की तरह ट्रीट करने लग गए, जस्ट बिकॉज कोई प्रॉपर स्पेस नहीं थी उन लोगों के पास में इन सारी मूर्तियों को रिस्पेक्टफुली और सेफली रखने के लिए। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर हमें किसी तरह की कोई धरोहर मिलती है तो उसे हम लोग एक सेफ एनवायरमेंट में रख सकें, ताकि आगे की पीढ़ियों के लिए उसे बचाया जा सके, हम लोग ये जान सकें कि कौन से राजा थे या कौन से इम्पोर्टेंट राज्य हुआ करते थे पहले के, जिन्होंने इतनी उत्कृष्ट कारीगरी की है, किस तरह से उन लोगों ने डिपिक्शन किया हुआ है, तो उसको गर्भगृह ही इकलौता ऐसा स्थान है मंदिर का जिसे लॉक किया जा सकता है, तो फिलहाल उन्होंने मंदिर में रखी हुई है। तो अब ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा भी है कि हमारे किसी भी देवी देवता की मूर्ति मिली तो उसे मंदिर में संभाल कर रख दिया। अब ये तो था नोहलेश्वर मंदिर, अब हम लोग चलते हैं विराटेश्वर मंदिर जो कि सुहागपुर में है। विराटेश्वर मंदिर सुहागपुर में भगवान शिव का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, और जो कलचुरी महाराज युवराज देव थे इन्होंने इसे निर्मित कराया था। उनका बेसिक पर्पस ये था कि इसे जो गोलकी मठ के आचार्य थे उनको समर्पित किया था। कुछ जो पुरातत्वविद हैं वो इस मंदिर को कर्णदेव से भी जोड़ते हैं। अब ये मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वेसर शैली हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे तो ये शहडोल जिले के पास में जगह है सुहागपुर, वहां पर स्थित है, जो मतलब नॉर्थ टेंपल की शैली होती है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, साउथ की होती है द्रविड़, और जो इन दोनों शैलियों का मिला जुला स्वरूप होता है उसे वेसर शैली कहा जाता है। तो अब इस मंदिर में हमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का संगम दिखाई पड़ता है। ऐसे भी कहा जाता है कि महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जो विराट नगर का वर्णन था वो इसी विराट नगर के आसपास है जिसे राजा विराट ने शासित किया था। अभी फिलहाल तो ये मंदिर जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। लगभग 70 साल पहले मंदिर के सामने का हिस्सा जब पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो गया था, इसे उस समय रीवा के महाराज जो थे महाराज गुलाब सिंह, उन्होंने फिर मरम्मत करा, इसका पूरा कंजर्वेशन करवाया, और उसके बाद से अब ये काफी अच्छी स्टेट में है। तो जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी नक्काशी इतनी ज्यादा डिटेल और इतनी ज्यादा आकर्षक है कि हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि पत्थर पे किस तरह इतना बारीक कार्य किया जा सकता है। तो मध्य में
इस पूरे जो डोर जैम है इसमें मध्य में चतुर्भुज विष्णु है, बाईं ओर वीणा वादिनी और दाहिने ओर गणेश जी विराजमान है। मंदिर की छत पर अमलका और कलश की उपस्थिति है। जो बाहर की दीवारें हैं उन पर भी काफी सुंदर शिल्पकारी की गई है। जो दाहिनी दीवार है उस पे हम लोग देख सकते हैं वीणा वादिनी, शंख, चक्र, पद्म और गदाधारी विष्णु की छवियां, और पीछे की दीवार पर भी विष्णु की अलग अलग तरह की छवियां हैं। बाईं दीवार पर ब्रह्मा थोड़ी स्थिर मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं, साथ ही नंदीराज, गांडीवधारी अर्जुन, उमा महेश्वर और वरदा मुद्रा में गणपति भी देखे जा सकते हैं। तो मतलब लोग इस समय को जो हम लोग खजुराहो के मंदिर देखते हैं उसमें जितनी डिटेल्ड कार्विंग है उससे भी कंपेयर करते हैं। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि चंदेल और कलचुरी कलचुरीज ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करते थे, तो मे बी आर्टिस्ट एक दूसरे को अपनी कलाएं सिखा के या फिर उस समय में उसी तरह का आर्ट फॉर्म जो था वो सेंट्रल इंडिया में ज्यादा प्रचलित था, तो काफी ज्यादा इसलिए हम लोगों को सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और बाकी पहले के जो मंदिर देखे उन्हीं की तरह इस मंदिर में भी हम लोग देखेंगे कि योगिनियों को काफी महत्व दिया गया है। काफी अलग अलग मुद्राओं में नृत्य करते हुए या श्रृंगार करते हुए हमें योगिनियां अलग अलग तरह से दिखाई पड़ती हैं, और अगर कहीं पर योगिनियां नहीं भी हैं तो उन जगहों पर देव या देवता जो हैं उन्हीं का जो देवी स्वरूप है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये काफी अद्भुत चीज थी, काफी अच्छा टॉपिक था जिसे कल्चुरी डायनेस्टी ने अपने समय में एनहेंस किया, उसको काफी इम्पोर्टेंस दिया। अब ये तो तीन एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे शिव मंदिरों के या हिंदू मंदिरों के। अब हम लोग ये चौथा एग्जांपल देखते हैं जैन तीर्थ का, जो कि कुंडलपुर है। तो ये भी सेंट्रल इंडिया में ही है, त्रिपुरी डायनेस्टी के अंडर में ही आता था एरिया, और कुंडलपुर क्षेत्र कल्चुरी राजाओं के ही द्वारा काफी कुछ डेवलप किया गया था। उस समय भी जो जैन धर्म था वो काफी लोकप्रिय था, और जो बाकी हिंदू मंदिर भी हुआ करते हैं कल्चुरी डायनेस्टी के, उनमें भी जैन मूर्तियां और बुद्धिस्ट मूर्तियां काफी सारी मिलती हैं, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। तो ये पूरा का पूरा जो जैन तीर्थ है ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, और हालांकि जो कल्चुरी शासन खत्म होते होते इस क्षेत्र में काफी कम ही जैन फॉलोअर्स थे जो वो बचे थे, इसलिए काफी समय तक कुछ थोड़ी कम यहाँ पर आना जाना था लोगों का, जब जो गोंड राजा थे उनके हाथ में सत्ता आ गई। लेकिन 8वीं और 9वीं सदी के लगभग जब ये 60 मंदिरों को जो बनाया गया था, तो उस वक्त में कुंडलपुर जो था वो मध्य भारत का सबसे प्राचीन और विस्तृत जैन तीर्थ हुआ करता था। अब गोंड राजाओं के बाद में दोबारा फिर इस जगह का महत्व बढ़ा, जो जैन लोगों ने इसको अपने तरह से काफी अच्छे से कंजर्व करने की कोशिश की, और अभी भी ये काफी अच्छी कंडीशन में हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम लोग आते हैं शेष शैया, जो कि बांधवगढ़ में है। अब ये मंदिर नहीं है, ये ओपन एरिया है बिल्कुल। तो जो राजा युवराज देव थे इनके मंत्री गोलक ने निर्माण करवाया था, तो कह सकते हैं कि ये भी लगभग हजारों साल पुराना ही शिल्प है। तो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है इसके मध्य में आपको एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई देगी, जो कि विष्णु की काफी बड़ी सी मूर्ति, लगभग बड़ी सी मतलब 35 फीट बड़ी मूर्ति, जो कि 7 फन वाले सांप पर लेटे हुए पाए जाते हैं, इसलिए इनका इस मूर्ति का नाम शेषशैया है। जंगल के बीचों बीच है, आसपास काफी हरियाली है, पेड़ है, वहां पर एक छोटा सा पानी वाटर बॉडी भी है, एक मतलब पिक्चरिस्क सी लोकेशन है ये भी। और केवल भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है,
इसमें बाईं ओर शिवलिंग और दाईं ओर ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है। हालांकि जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है अब वो ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि जो पेड़ उग आए हैं उसके आसपास में, उस वजह से जड़ों ने उस ब्रह्मा जी की मूर्ति को काफी ढांक लिया है। लेकिन जो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज इसको देखें तो जब इसको बनाया गया था तो ये त्रिमूर्ति स्थापित करने जैसा विचार था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां एक साथ में बनाई गई थी। अब इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो कि अमरकंटक में है। तो अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें, ज्यादा लोगों ने नहीं सुना हुआ होगा इसका नाम, क्योंकि उतना पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है ये। लेकिन अगर ऐसे हम लोग इसके ज्योग्राफिकल और माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका काफी ज्यादा महत्व है। तो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू स्थल है। तीर्थ राज इसको कहा जाता है इस वजह से क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। इसके अलावा ये 3 पर्वत श्रृंखलाओं विंध्य, सतपुड़ा और मैकल से घिरा हुआ है। इतनी ऊंचाई पर जो स्थित ये पर्वत श्रृंखला है, इनके होने से जो जंगल हैं वो काफी घने हैं, काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफी जड़ी बूटियां भी पाई जाती थी, अब तो क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और होता ही जा रहा है, इस वजह से थोड़ा कम हो गया है यहाँ पे जो एनवायरमेंट था उसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप लोग जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राकृतिक दृष्टि से कितनी इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये। और बेगलर ने 1873-74 के आसपास में जब इस जगह का दौरा किया तो उस वक्त भी उन्होंने ये रिपोर्ट में अपनी लिखा हुआ है कि अमरकंटक हमेशा तीर्थ यात्रियों से भरा रहता था, जो या तो जगन्नाथ पुरी जाते समय या वहां से लौटने के बाद यहां से होते हुए ही जाते थे। बेगलर ने अमरकंटक की पहचान कालिदास के मेघदूत में उल्लेखित अमरकूट के साथ की हुई है। तो नर्मदा नदी का स्रोत भी अमरकंटक, मतलब अमरकंटक में ही नर्मदा नदी का स्रोत है और एक छोटे से कुंड से निकलती है नर्मदा जी। तो बेसिकली कुंड नहीं है, अंडर वाटर काफी सारे स्प्रिंग्स हैं और हो सकता है इसलिए भी जो कल्चुरीज थे उन्होंने इस जगह को अपने हिसाब से डेवलप करने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक जितना हम लोगों को समझ में आया कि कल्चुरी जो थे वो जितना शिव जी के लिए भक्ति रखते थे उतनी ही भक्ति वो नर्मदा जी के लिए भी रखते थे, इसलिए शायद उन्होंने अमरकंटक को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया क्योंकि यही नर्मदा नदी का ओरिजिन है। तो अब इसमें हम लोग बहुत क्विकली जो मंदिर है उनको समझते हैं। सबसे पहले इसे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ये है कि आज की डेट में इनमें से किसी भी मंदिर में कोई भी मूर्ति देखने को नहीं मिलती है। तो समय के साथ या तो मूर्तियां नष्ट हो गई या चोरी हो गई, इसलिए जब रिसेंट इस मंदिर प्रांगण का कंजर्वेशन हुआ उस समय में एक भी मूर्ति यहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती है अब उस तरह से जैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये पता है कि ज्यादातर शिव मंदिर ही हैं। तो जो यहाँ के लोकल पुजारी हैं या जो देख रेख करते हैं वो छोटी सी पूजा यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती है, इस वजह से अब इनको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ही कहा जाता है। फिलहाल ये जगह ASI की देखरेख में है। इस समूह का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कर्ण मठ के नाम से जाना जाता है। इसको राजा कर्ण दहारिया, जो काफी इम्पोर्टेंट राजा थे उस वक्त कल्चुरी डायनेस्टी के, उन्होंने अपने शासन के दौरान इन मंदिरों को बनवाया। और बेगलर की रिपोर्ट में भी यही मेंशन्ड है कि राजा कर्ण के नाम से ही, क्योंकि ये मंदिर थे इसलिए ये कर्ण मठ के नाम से जाने जाते हैं। अब इस कर्ण मठ में 3 मंदिर हैं और काफी ऊंचा जो प्लिंथ है उस पर ये तीनों मंदिर बनाए गए हैं।
संभवतः एक सामान्य मंडप से जुड़े हुए होंगे ये उस वक्त, लेकिन अभी कोई मंडप नहीं दिखाई पड़ता है, सिर्फ एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर तीन मंदिर ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो जब बेगलर ने इन मंदिरों को खोजा तो उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में लिखा था कि हो सकता है मंडप बनाने की योजना हो, क्योंकि जहां पर मंडप के कॉलम्स आने चाहिए वहां पर खम्भों के आधार या प्लिंथ हमें अभी भी देखने को मिलता है। हो सकता है किसी वजह से ये कम्प्लीशन नहीं हो पाया हो या जो भी इसका रीजन था। तो प्लानिंग तो थी इस में मंडप बनाने की, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। मंदिर ऐसे आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग तरह से इनको बनाया हुआ है। जो इनका डिजाइन एलिमेंट्स है उसमें जो शिखर है उस पे स्थित जो है वो चैत्य खिड़कियां या फिर घोड़े के नाल की आकार की खिड़कियां हमें दिखाई पड़ती हैं। और ये इसका प्लान है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे टी पैटर्न में ये प्लानिंग की गई है, ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया हुआ है। और अब इसमें जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीनों मंदिर जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज के ही हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको भी ASI ने रेस्टोर करके अभी फिलहाल काफी अच्छी कंडीशन में ले आया है, कि मतलब एक रिस्पेक्टफुल कंडीशन में इसको ले आया गया है। पहले काफी खराब कंडीशन थी क्योंकि लोगों को ऑब्वियसली उसका महत्व जो था वो खत्म हो गया था, मूर्तियां चोरी हो गई थी तो यहाँ पे पूजा वगैरह होती नहीं थी। तो आसपास सब बिजली के खंभे लग गए थे, जो नर्मदा परिक्रमा वासी थे वो इसको ऑब्वियसली क्योंकि दरवाजे वगैरह भी नहीं थे तो यहीं पे चादर वगैरह डाल के उसको ही अपने रूम्स की तरह ट्रीट करते थे, वहीं पर रहते थे। तो छोटा मोटा कुछ उस वजह से डैमेज की उन्होंने आग जला के खाना बनाया या अपना कुछ भी पत्थर टूट गए या कुछ इस तरह का काम हुआ तो इससे भी डैमेज होता जा रहा था। उसको रेस्टोर करके ASI ने पूरे जो प्रांगण था उसको पेरिफेरी बना के अभी सेफ कर दिया और अब काफी अच्छी कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। कर्ण मठ के बाद में हम लोग आते हैं इस मंदिर की तरफ, जो ये भी शिव मंदिर है जो कि RD बैनर्जी द्वारा मच्छिंद्रनाथ मंदिर के रूप में संदर्भित किया गया है। ये भी काफी जैसा आप देख सकते हैं सुंदर मंदिर है। इसमें मंडप और गर्भगृह है। मंडप जो है वो खंभों पर आधारित है और पूरा जो इसकी वॉल्स हैं वो छत तक नहीं पहुंचती हैं, हाफ वे पर ही रुक जाती हैं। तो मे बी इसका वेंटिलेशन या लाइट से इसका कुछ संबंध हो। गर्भगृह के जो दरवाजा है उस पर गणेश जी की छोटी मूर्ति अभी भी दिखाई पड़ती है। और ये भी विशिष्ट नागर शैली में जो उड़ीसा के मंदिर हैं उनसे थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है। शिखर पर दो अमलका लगे हैं और इनके ऊपर कलश या चूड़ामणि रखा गया है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये पातालेश्वर मंदिर जो कि शिव जी को समर्पित है। ये क्योंकि जमीन का जो बाकी लेवल है उससे थोड़ा नीचे बनाया गया है इसलिए इसको पातालेश्वर मंदिर कहते हैं। तो ये भी पिछले मंदिर जो भी हमने देखा उसके लगभग समान ही है, बस इसमें पिरामिड स्टाइल का छत हम लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका डिफरेंट है। तो काफी अच्छा इसको भी रिस्टोर किया गया है। इसके अलावा फिर आप ये बाकी के मंदिर जो हैं इनको भी देख सकते हैं कि ये बिफोर रेस्टोरेशन किस कंडीशन में थे और आफ्टर रेस्टोरेशन कितनी अच्छी कंडीशन में है, कितना अच्छा प्रिजर्व्ड है। ये पंचमठ है जो कि छोटे मंदिरों का समूह है, इनकी भी कंडीशन बहुत बुरी थी, पेड़ झाड़ वगैरह से उगाए थे उनको भी ठीक किया गया। जो नर्मदा कुंड है, जो सूर्य कुंड है जहां से कहते हैं कि नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती थी, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि एक ये मंदिर प्रांगण है जहां पर सूर्य कुंड है जिसको नर्मदा नदी का ओरिजिन बताया गया है और इसी से लगभग कुछ मीटर दूर पर ही नर्मदा उद्गम मंदिर है जो कि
वो भी मंदिरों का समूह है, वहां पर भी एक कुंड है और उसे भी नर्मदा नदी का ओरिजिन बताया गया है। तो अब ये दोनों थ्योरीज गलत नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो काफी सारे अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स से निकलती हैं, इसलिए कोई एक सिंगल ओरिजिन नहीं हो सकता, ये मल्टीपल ओरिजिन है, इसलिए दोनों ही मंदिरों का महत्व जो है वो सही है। तो अब हम लोग अगर निष्कर्ष की बात करें कि इस पूरे लेक्चर सीरीज में हमने आज के क्या सीखा, तो अगर हम लोग कलाकार की बात करें तो उसमें हमें समझ में आएगा कि कल्चुरी जो थे वो कितनी अलग अलग तरह की मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिसमें कि हिंदू मूर्तियां प्रमुख हैं और जैन और बौद्ध मूर्तियां अपेक्षाकृत थोड़ी कम है। मूर्तियों पर सजावट काफी भारी और जटिल हुआ करती थी, चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं मूर्तियों की वो काफी प्रोमिनेंट हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो मातृकाओं की मूर्ति थी उनका उपयोग काफी ज्यादा किया गया था, इस वजह से क्योंकि जो कल्चुरी डायनेस्टी में जो लोग थे वो उस समय में योगिनी पंथ जो था उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। 64 योगिनी मंदिर जो है इसमें गणेश, गणेशिनी, वराह अवतार, श्री एरुड़ी योगिनी जैसे कई पुरुष देवताओं की देवी रूप भी शामिल है। इनके अलावा पशु और पुष्प संबंधी मूर्तियां, फिर आभूषण और जो डेली लाइफस्टाइल की चीजें हैं उन सब का भी काफी अच्छी तरह से डिपिक्शन किया गया है। शिल्प शैली की अगर हम लोग बात करें तो खजुराहो मंदिरों से इनका काफी ज्यादा हमें कोरिलेशन देखने को मिलता है, और ज्यादातर जो है वो मोनोलिथ मूर्तियां हमें दिखती है, मतलब एक सिंगल पत्थर को कार्व करके इन्होंने मूर्तियां बनाई हुई हैं। और शिव के लगभग सभी अवतार जैसे कि उमा महेश्वर, बटुक भैरव, सदाशिव, शिव परिवार और बाकी भी शिव के अन्य अवतारों को हम लोग कल्चुरी समय के मंदिरों में अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब कला के बाद हम लोग वास्तुकला पे आते हैं, यानी आर्ट के बाद आर्किटेक्चर पे आते हैं। तो आर्किटेक्चर का निष्कर्ष ये है कि मंदिरों की निर्माण शैली जो थी वो मोस्टली नागर शैली में ही थी, कुछ स्थानों पर हम लोग वेसर शैली के उदाहरण भी देख सकते हैं। मंदिरों में मंडप, अर्ध मंडप और गर्भगृह मुख्यतः होते थे और हमेशा इनको बनाने के लिए काफी ऊंची प्लिंथ का उपयोग किया जाता था, यानी काफी ऊंचे मंच पर बनाए जाते थे। अमलका, कलश, गवाक्ष ये सारे जो क्लासिक एलिमेंट्स होते हैं नागर शैली के, ये भी हम लोग देख सकते हैं इन मंदिरों पर। और इन मंदिरों को जानबूझकर काफी भव्य लेकिन विनम्र और स्वागत योग्य दिखाने की कोशिश की गई थी, और इनके निर्माण में ज्यादातर या तो ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो आशा है आज का जो लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने त्रिपुरी की बात की, बेसिकली उसके आर्ट और आर्किटेक्चर पे हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया, तो आशा है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और क्यों इन धरोहरों को बचाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी आपको हो सकता है काफी अच्छे से समझ में आया हो। तो कोशिश करिए जो भी आपके आसपास में इस तरह के प्राचीन मंदिर हैं या फिर मूर्तियां हैं या कोई भी छोटी मोटी आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी अगर हैं तो उन्हें भी आप संरक्षण करने की कोशिश करिए। अगर बड़े स्तर पर नहीं भी कर सकते हैं तो छोटे स्तर पर एटलीस्ट ये कोशिश करें कि उन्हें हम नुकसान ना पहुंचाएं किसी तरह का। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब हम लोग आगे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलने की आशा के साथ धन्यवाद।